आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी का यूपी में कदम है, जिसके चलते प्रभारी के रूप में आए अब्दुल रहमान ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट है, दिल्ली मॉडल यहां उनका चुनावी मुद्दा रहेगा। दिल्ली के विधायक और मुरादाबाद के चुनाव प्रभारी के रूप में महानगर पहुंचे अब्दुल रहमान ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यहां की कानून व्यवस्था चौपट है, जनता परेशान है। आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, इसके लिए अभी से तमाम आवेदन आने शुरू हो गए हैं, लेकिन प्रत्याशियों का चयन शीघ्र नेतृत्व करेगा। एक सवाल के जवाब में कहा कि उत्तर प्रदेश में पार्टी का मुद्दा दिल्ली मॉडल रहेगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि आज दिल्ली के सरकारी स्कूल निजी स्कूलों से आगे निकल चुके हैं। तो वहीं सरकारी पैसे का सही प्रयोग करके जैसे दिल्ली का विकास हुआ है, वैसे ही यूपी का विकास किया जाएगा। दिल्ली के आम आदमी को आज वह सभी सुविधाएं मिल रही है जो एक आम आदमी की आवश्यकता होती है। श्री रहमान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में संगठन की मजबूती पर बल दिया जा रहा है, क्योंकि मजबूत संगठन ही आने वाले चुनाव में पार्टी को सफलता दिलाने में सक्षम होगा। पहली बात है कि हम अपने संगठन को कंप्लीट करें, मजबूत करें और अपने साथियों को ये बताएं कि दिल्ली मॉडल जो है उस पर ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली के अंदर हमारी सरकार बनने के बाद बिजली, पानी और शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम चीज़ें मुफ्त की गई। महिलाओं का सफ़र ले लो या बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा ले लो, डोर स्टेप सर्विस ले लो, राशन का घरों तक पहुंचाना ले लो, तमाम वो सहूलतें जो एक आम आदमी को मिलनी चाहिए वो आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के अंदर दी हैं। और उसी तर्ज पर हम उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेंगे कि जो सहूलतें हमने दिल्ली के अंदर दी हैं वो तमाम सहूलतें उत्तर प्रदेश के लोगों को भी। विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव में क्या आपकी भागीदारी रहेगी उसमें? 100% हम चुनाव लड़ेंगे, पंचायत चुनाव भी लड़ेंगे, हम ग्राम सभा चुनाव। अच्छा, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक बयान आया था कि जितनी दिल्ली की आबादी नहीं है उससे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये उनका मानना है, माननीय मोदी जी हैं देश के प्रधानमंत्री हैं, 125 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी, तो एक जिम्मेदारी है उसका निर्वाह करना। जिम्मेदारी हमारे पास 225 करोड़ ढाई करोड़ लोगों की है, तो हमने जिम्मेदारी के साथ उसको जिम्मेदारी को निभाया है और इंशाल्लाह जब ये जिम्मेदारी यहाँ के लोग देंगे तो हम इसको भी पूरी तरह निभा कर। आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3 मुख्य जनपदों का प्रभार दिया गया, क्या मानते हैं कहाँ तैयारी होनी चाहिए और अब तक क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं तो पहली बार ही यहाँ अभी आया हूँ, आज इसी पर समीक्षा थी और इंशाल्लाह मेरा मानना यह है के तीनों ही जिले में बहुत ही मजबूती के साथ और बहुत तेजी के साथ हमारा संगठन आगे बढ़ रहा है। लोगों में उत्सुकता है कि आम आदमी पार्टी यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर आए, चुनाव लड़े, कामयाब हो और वो तमाम सहूलियात जो दिल्ली के लोगों को मिलती हैं वो उत्तर प्रदेश के लोगों को भी मिले। ऐसा मैंने देखा है कि लोगों से मैं जितना मिला हूँ, लोगों में एक उत्सुकता है कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर आकर के चुनाव लड़े और हम उसे जिताएं और वो तमाम सहूलियात हम ले सकें जो दिल्ली के लोग। ये लिस्ट फाइनल तो नहीं हुई है कि कौन कौन चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बहुत लोगों की लंबी फहरिस्त हमारे पास है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब वो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि मतलब किन किन लोगों को चुनाव। दूसरी पार्टी से लोग आ रहे हैं, क्या चुनाव में उन्हें शामिल किया जाएगा? बसपा, यहाँ तक के कांग्रेस के बहुत लोग और कई लोग हमारे पास ऐसे भी हैं जो मतलब सत्ताधारी पार्टी को छोड़ करके हमारे साथ। क्या टिकट मिल पाएगा उन लोगों को? देखिए, टिकट की तो मैंने आपको भी बताया कि टिकट के लिए कई चीजें देखनी होती हैं। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये तय करेगा बैठ करके कि टिकट के लिए सारी चीजें किसमें हैं और सारी खूबियाँ किसके अंदर शामिल है, कौन चुनाव लड़ पाएगा, किसको चुनाव लड़ाना है। क्या मुद्दे लेके आप यहाँ पर आए? मैंने बताया दिल्ली के अंदर जो शिक्षा का स्तर है और उत्तर प्रदेश के अंदर जो शिक्षा का स्तर है, मैं आपको कई वीडियोस ऐसी दिखा सकता हूँ जहाँ गौशाला बनी हुई है उत्तर प्रदेश के स्कूलों में, जहाँ बच्चों को अच्छी, हमारी दिल्ली का स्तर आप देख लीजिए, प्राइवेट स्कूलों के रिजल्ट को आप देखिए तो 92% और हमारे सरकारी स्कूलों का रिजल्ट आप देखेंगे दिल्ली के अंदर तो 98.5% हमारा रिजल्ट आया है। तो दिल्ली के सरकारी स्कूल जिस तरह के हैं हम उत्तर प्रदेश के वैसे ही बनाएंगे। दिल्ली में जिस तरह हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो बिल्कुल उसी तर्ज पर हर गांव, हर कस्बे के अंदर हम उसी तरह से मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के तमाम स्कूलों को मॉडल स्कूल के तौर पर बनाया जाएगा,
उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटल्स को अच्छा किया जाएगा, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाए जाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, ताकि लोगों को अपना इलाज कराने के लिए दूसरे राज्यों का मुंह ना देखना पड़े उत्तर प्रदेश के अंदर। आप पार्टी हर बात फ्री की बात कर रही है, लोगों में किस तरह की आदत डालना चाह रही है, फ्री ये भी फ्री? नहीं, ये देखिए, ये मात्र सोच की बात है कि फ्री हमने कुछ नहीं दिया है, वो जनता का ही पैसा था। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमने दिल्ली के अंदर अभी मेरी विधानसभा में एक फ्लाईओवर बनाया हमने, वो 3 फ्लाईओवर थे और एक फ्लाईओवर भाजपा के कार्यकाल में बना, वो फ्लाईओवर 272 करोड़ रुपए में बनना था, वो 738 करोड़ रुपए में जाकर के तैयार हुआ और 11 साल का उसमें समय लगा। आज उस फ्लाईओवर के ऊपर से आप जाएंगे तो आपको उछलते कूदते जाना पड़ेगा। एक फ्लाईओवर 19 फरवरी 2019 में हमने शिलान्यास किया और 23 अक्टूबर 2020 को हमने उसका उद्घाटन कर दिया, यानी कि मात्र 1.5 साल में बना के तैयार किया। लंबाई दोनों की बराबर है, 50 मीटर हमारा फ्लाईओवर ज्यादा है, हमने 2 फ्लाईओवर बनाए हैं और जिसकी टेंडरिंग अमाउंट जो था वो था 303 करोड़ रुपया, जिसको हमने 250 करोड़ रुपए में बना करके तैयार कर दिया और 53 करोड़ रुपया जो बचा, ये तमाम पैसा जो हम बचा रहे हैं उसी को हम जनता पर खर्च करेंगे, क्योंकि जनता का ही पैसा। एक सवाल हो रहा है मेरा, आप जो भी चुनाव लड़ाएंगे, जो भी आपका होगा उम्मीदवार होगा, उसका मापदंड क्या होगा आपका, कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होगा या कौन, थोड़ा मापदंड बताएं। हमारे पास इंडस्ट्रियलिस्ट का कोई खाना नहीं है, मैं आपको यूपी की भी बता रहा हूँ। वो एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो ईमानदार हो, पब्लिक में चर्चित हो, लोग उसे चाहते हो और समझदार हो और लोगों के लिए काम करने की भावना रखता हो।